हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, टैली सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो टैली की है और टैली ईआरपी 9 की बात करेंगे। आप चाहे तो इसे प्राइम में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए यहां पर टैली ईआरपी 9 ओपन है और सवाल क्या है हमारा, दिनांक 1/7/2023। अब देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर एक बार जरा चेक कर लेते हैं, 23-24 है। दिनांक 1/7/2023 का सामान खरीदा। अगर इस तरह की एंट्रीज अगर आपको पास करनी है तो कैसे पास करेंगे, जैसे आप कहेंगे कि परचेज में जाएंगे खरीदना, यानी परचेज में जाएंगे और यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे। अब यहां पे डेट चेंज कर लेंगे अप टू करके और यहां पे 1/7/2023 है तो 1/7/2023 डाल देंगे, ठीक है। और 1/7/2023 डाल के एंटर करेंगे और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर भी डेट चेंज कर लेते हैं, 1/7/2023 कर देते हैं, 1/7/2023 हो गया, एंटर करिए। अब यहां पर पार्टी का नाम आएगा, जो भी पार्टी है, ठीक है। पार्टी का नाम तो दिया ही नहीं गया है क्योंकि कहा गया है 1/7/2023 को 5,000 का या 10,000 का सामान खरीदा, ऐसी एंट्री पास करनी है तो पार्टी का नाम तो है ही नहीं। तो अभी इस कंडीशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है, तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, कैसे इस एंट्री को पास करेंगे, ठीक है। सवाल आपको समझ में आ गया होगा बहुत क्लियरली। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है एज वाउचर, एज वाउचर में आते हैं तो यहाँ पर क्रेडिट डेबिट शो करने लगेगा तो भी दिक्कत है। फिर अकाउंटिंग इनवॉइस में आते हैं, देखिए ये एज वाउचर जो दिया गया, यहाँ से सीधा आ जाइए अकाउंटिंग इनवॉइस में। जैसे ही आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है, यहाँ पर आपको दिखता है इस तरीके का इंटरफेस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर पार्टी का नाम नहीं दिया है तो यहाँ कैश कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पार्टी का नाम नहीं दिया गया तो सीधी बात है कि ये कैश की बात हो रही है, ठीक है। और कितने का सामान खरीदा है, 5,000 का, तो यहाँ पे लगाइए परचेज अकाउंट का लेजर, इस तरीके से परचेज अकाउंट लगाइए, यहाँ पी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और पी प्रेस करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइए, कितने का खरीदा है, 5,000 का। बस ये हो गया आपका परचेज का एंट्री, ठीक है, ये हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का अगर सवाल आपको दिया जाता है तो आप बताएंगे इसी तरीके से एंट्री पास करके कि देखिए ये एंट्री है, इसी तरीके से पास की जाएगी, देख लीजिए, ठीक है। और ये आपका बिल है, तो 5,000 जब सामान की लिस्ट है ही नहीं तो कहां से आप करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी कि इसको कैसे करना है। इसी तरीके से सेल्स में भी है, ठीक है। सेल्स में क्या है कि 5,000 का सामान बेच दिया लेकिन लिस्ट नहीं दी गई, तो बी बटन प्रेस करके और F8 प्रेस करके चलते हैं सेल्स वाउचर में। अब यहां पर भी सेम कंडीशन है, हमें एज वाउचर आइटम इनवॉइस दिया गया है और अकाउंटिंग, तो हमें अकाउंटिंग नंबर डाल सकते हैं। यहां पर पार्टी का नाम कैश ही रखेंगे क्योंकि पार्टी का नाम तो दिया ही नहीं गया है, यहां पर एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। और यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर आपको लगाना है सेल्स का लेजर, तो Alt C करके यहां सेल्स का लेजर बनाइए और एंटर करिए, इसे अंडर सेल्स के ग्रुप में डालिए, यहां से सेल्स हो जाएगा, देखिए ये सेल्स दिया है ऊपर ही, एंटर करिए, एंटर करिए, एक्सेप्ट कराइए, कितने का, 5,000 का सामान बेचा, लीजिए हो गया एंट्री, ठीक है। इस तरीके से, अब ये बेकार में थोड़ी ना दिया है, एज वाउचर बेकार में देगा क्या, यहाँ पे एज वाउचर दिया गया है, आइटम इनवॉइस दिया गया है, तो ये बेकार में नहीं है, इसका भी उपयोग है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एंट्रीज पास करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।